लगातार हो रही बारिश एवं कोसी नदी का उफान के चलते महानंदा नदी भी अपने रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दी है। महानंदा नदी अपने सीमा को तोड़कर अब आगे बढ़ गई है और कई पंचायतों को भी डुबा दिया है। महानंदा नदी ने प्राणपुर प्रखंड के धबोला गांव के पास महानंदा नदी के तटबंध के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कभी भी तटबंध टूट सकता है, जिसमें लाभा, कदवा, प्राणपुर, मनिया, कटिहार टाउन भी में भी पानी आ सकता है। जब हमारी सहस्त्र न्यूज़ की टीम धबोला गांव के पास पहुंची और बांध को देखा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वहां के लोगों से भी बात किया, बात करने के बाद हमें पता चला कि बांध टूटा नहीं है लेकिन टूटने के कगार पर है। लेकिन जो अधिकारी लोग हैं वो एकदम लगे हुए हैं, काफ़ी ग्रामीण भी लगे हुए हैं तटबंध के बचाव के लिए। काफ़ी सारी बोरियां, मिट्टी की बोरियां मंगाई गई हैं प्रशासन के द्वारा और जेसीबी वगैरह भी वहाँ खड़ा कर दिया गया है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। और अतः आप सभी से अनुरोध है कि अफवाहों पर न जाएं और खुद सजग रहें। धबोल टेक बांध है वहाँ पर जो भी प्रशासन को दिया है तो वहाँ पर उन लोग को रात दिन वहाँ पर रहना चाहिए, उनको खाने पीने का समय भी मिलेगा। और जबकि कटाव यहाँ पर है, खतरा यहाँ पर है, वो आधा किलोमीटर दूर पर सूतेगा तो यहाँ का कोई खतरा होगा तो उनको कैसे रिपोर्ट मालूम होगा। हमारा कहना है कि जे सामने ने काम खतरा है उसी सामने एक झोपड़ी में वो रहे, अपना डिप्टी करे। अगर कोई खतरा है तो ग्रामीण को वो इन्फॉर्म करे ताकि हम लोग उस पर उसका पीठ पर। प्रशासन के तौर पे जो है जेसीबी पॉकलेन और यहाँ पे जो है 10,000 बोरे भरे हुए हैं और एक सेंट्रल लोकेटेड गोडाउन बनाया गया, वहाँ 50,000 बोरे भरे गए और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफवाह कोई ग्रामीण जो है असामाजिक तत्व के द्वारा जो है फैला दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पूरी तैयारी से हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग काफ़ी भीड़ जुट गई है। हाँ, भीड़ जो है अफवाह के कारण लोग आ गए हैं और एक बिना देखे हुए जो है ना लोग एक दूसरे को मैसेज कर दे रहे हैं, इसके कारण भी लोग एकत्रित हो जा रहे हैं। किन किन प्रकार की व्यवस्था किए हैं यहाँ पे? जो है हमारे पास जो है एक पॉकलेन जेसीबी और बालू भरे बोरे का भंडारण है, 10,000 यहाँ पे है और 50,000 सेंट्रली लोकेटेड गोडाउन में है जो सीसाबारी में यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी से, हमारे JEE सब जो है और उच्च अधिकारी भी मुस्तैदी से जो है हम लोग को ऑपरेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है? पवन कुमार सहायक है।